सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव चिचड़ाना में देर रात सरपंच पद के उम्मीदवार और उनके बेटे को हमलावरों ने गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में खानपुर स्थित महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां सरपंच पद के उम्मीदवार दलबीर को मृत घोषित कर दिया गया। मामले का पता लगते ही एसपी हिमांशु गर्ग और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव चिचड़ाना के रहने वाले दलबीर पंचायत चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी थे। वीरवार रात को वे अपने बेटे राहुल के साथ स्कूटी पर सवार होकर गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुटे थे। अपने पक्ष में जनसंपर्क अभियान पूरा करने के बाद वे देर रात घर की ओर लौट रहे थे। जब वे घर के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने स्कूटी सवार पिता पुत्र पर गोलियां चला दी। गोली लगने से दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल घायल अवस्था में चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागा और स्वजनों को अवगत करवाया। शोर सुनकर तुरंत स्वजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को खानपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद दलबीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी हिमांशु गर्ग ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं घर पे था, आपने गोलियां ही आवाज सुनी, भतीजा गाड़ी चला रहा था, स्कूटरिया चला रहा था, उसके पास से गोली मारी शर्म में जी। उसने इन्हों के जेब रखी गए, जाटा काम में सरपंच मरना है मरना है सीधी जाके 10-20 घर दमक है जी। जो बूढ़ छोरियां तो रही पड़ी गिर गरीबा ने पीटर रोड़ा वापस ले पीट रखे हैं, ठीक है ना। अरे मेरा भाई मार दिया, मारा सारा कण मो था संभाल लिया, 20 छोरिया भाई कोई बड़ा छोटा नहीं मेरा। तेन मैंने चुनाव लड़े थे जी, दलबीर स्वामी, दलबीर फौजी, मेरा बाबा का हरमन गाँव में नाम राजेश से। आपके बेटे को भी दो गोली लगी, चार निकली इधर के, वो बेटे की भाई बेटे की गोली भर जाना कहते बेटा मर जाओ, इसलिए उसका लागी गई ना मार दे उनने। मारी किसने? मारी गांव के है। क्या क्या नाम है? नाम का कुछ नहीं पता भाई, नाम नूम नहीं बताया। बेटा जी हमने थोड़ा था चल गया, उसने देखा नहीं है गाँव के, गाँव के हुए बता सके घरों को मेरा है नू मेरा दो ठोड़े है दोनों थोड़ा आदमी मिलकर मारा मेरा थोड़ा। सूचना आई थी कल, उसमें केस रजिस्टर कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष कार्रवाई हो और जो भी अपराधी है वो पकड़े जाए। कितने लोगों पर जो शिकायत के आधार पर पर्चा दर्ज होता है तो वो कर दिया गया है, उन्होंने 12 नाम लिखवाए हैं और उसमें जांच अभी चल रही है। जो भी इसका जिसने भी काम किया जल्दी इसको गिरफ्तार करें। देखिए 12 से 13 के बीच में सूचना है, बाकी जांच अभी चल रही है, जैसा जांच में आएगा देख लेंगे। एक उनका जो पुत्र है वो घायल है और वो सेफ है अभी, और जो जो सरपंच पद के उम्मीदवार थे उनकी मृत्यु हो गई। अभी देखना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसके आधार पर पर्चा दर्ज किया गया है, जांच अभी चल रही है पुलिस की, और जो भी जब कोई जो असेलेंट जब गिरफ्तार होगा उसकी पूछताछ के आधार पर पता कर पाएंगे कि क्या बात है। अभी कोई हिरासत नहीं।